तो वेलकम टू ड्यूटी न्यू ब्लॉग। और टुडे इज सैटरडे और आज जो है आपका स्पेल का लास्ट डे है, ओटी डे। बाकी सबका ओटी बहुत भयानक बना इस बार जो ओटी बनाया ना भाई, ये लड़की इस बार जो ओटी बनाया है ना वो रिकॉर्ड तोड़ ओटी बना, मैंने अबव 130-140 आवर्स अबव, मतलब 15 दिन में 150 घंटा काम करना, उसका मतलब है कि 15 घंटा प्रतिदिन काम करना, तो हाईएस्ट बना है। तो मेरा नहीं बना है क्योंकि हम 4 दिन छुट्टी में थे, तो हम तो अभी ये ओटी का नज़दीक भी नहीं पहुँचे। तो अभी 13 बजे अवेलेबल है, 13 बजे मैंने दोपहर के 1 बजे, पहले इसी का सुन लीजिए। तो अभी 13 बजे अवेलेबल है, दोपहर के 1 बजे हम बोलेंगे तो वे बोलेगी। और मैं भी चाहता था राइट टाइम ही लगेगा क्योंकि ओटी चल रहा है, तो कम से मतलब जो कम से कम आवर्स रहेगा उसको पहले ड्यूटी। तो भाई सुबह सुबह आज का नाश्ता बहुत स्पेशल है, ग्रिल सैंडविच और इडली। बीवी इतना खिला देती है कि बोलिए मत, दोपहर में भी फिर खिलाई। ऐसी पेट भरने का रीजन है, सब यही सब है भाई, मेन रीजन है। तो भाई आज टीओ हुआ है संबलपुर सिटी का और हम लोग जा रहे हैं संबलपुर। बहुत दिन बाद संबलपुर पड़ा है, लास्ट डे में एक्चुअली संबलपुर पड़ ही जाता है, तो संबलपुर पड़ा है सिटी और सिटी जाएंगे। जल्दी गाड़ी पहुंच जाएगा तो रिटर्न आ जाएंगे, नहीं तो कल सुबह आएंगे। प्रोग्राम अभी तक का यही है, देखिए कब गाड़ी मिलता है और चलते हैं। तो भाई सुबह सुबह टाटा जाने के लिए निकले हैं ड्यूटी ऑफ करके, लेकिन गाड़ी ऐसा मार रहा है कि बोलिए मत। जो गाड़ी आपका आने वाला था 4:30 बजे वो 6:30 बजे आया, और ये 6:30 के अनुसार भी कम से कम इसको 11 बजे पहुंचना चाहिए टाटा, और अभी बहुत ही दूर पे है ये पहुंचने में। मेरे को लगता है कि 1:30 से 2 बजाते हुए पूरा झिला रहा हो, जब घर जाते तो ही ऐसा काहे होता है भगवान जाने। तो भाई फाइनली अभी जस्ट घर पहुँचे हैं और पूरा एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि रात में भी 1:30 बजे आए, उसके बाद फिर सुबह ऑफ किए, फिर गाड़ी पकड़े, हिला दिया पूरा। और गाड़ी में भी आपका विकलांग बोगी में चढ़े हम लोग, जो पहले मिला विकलांग बोगी में चढ़ के बैठते हुए, और गाड़ी इतना स्लो आ रहा है, इतना स्लो आ रहा है, एकदम पूरा सर दर्द दे दिया स्लो देखते हुए। मतलब जो गाड़ी 5 घंटे पहुँचेगा वो 6:30-7 घंटे लग गया। तो भाई फ्रेश व्रेश होना है और लंबा नींद लेना है, उसके बाद देखते हैं कहाँ दोस्त यार लोगों ने। और काम मेरा क्या है, काम मेन जो है वो मेरा एक वो गूगल एडसेंस वाला पिन आ चुका है, तो गूगल एडसेंस वाला पिन को देखना है। और बहुत सारा काम है क्योंकि मम्मी पापा लोग जा रहे हैं बाहर, तो इसीलिए हम आ गए हैं, थोड़ा सा भेंट उठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो 5-7 दिन 10 दिन कितना दिन बाद आएंगे, बड़े भाई पास जा रहे हैं तो मिल के आएंगे बोल रहे हैं। हम भी जाने का प्रोग्राम था, पहले भी हम बोले थे बट हम लोग नहीं जा पाए, तो अभी मम्मी पापा लोग फिलहाल जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो भाई मस्त नहीं तो भाई एक अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है यार, पूरा एकदम शरीर जो है एग्जॉस्ट मतलब हालत ख़राब लग रहा था, तो खाना पीना भी मस्त हो गया है। और अभी जाना है ड्यूटी के लिए एक पेंट लेने के लिए, क्योंकि पेंट जो है वो ख़राब हो गया है। अब बहुत दिन से कंजूसी में हम पेंट खरीद नहीं रहे थे, लेकिन बीवी बोली कि अभी कि पेंट खरीद के नहीं आइएगा तो आपको घर घुसने नहीं देंगे, फिर नहीं पड़ेगा। और अभी ड्यूटी का शेड्यूल इतना टाइट हो रहा है कि रोज़ का ब्लॉग आने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, कि एक ब्लॉग छूट जा रहा है मतलब शेड्यूल के कारण ही। देखिए कल हम गए थे आपका 2 बजे के आसपास, और वो पूरा रात भर रात में फिर 11 बजे आए, तो शूट करने का उतना मौका मिल नहीं पाता, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको परफेक्ट करें कि पर डे हो। और क्या किया जा सकता है भाई, काम भी तो करना है, काम करना है, शूट करना है,
और घर जाने से फिर बच्चे को संभालना है, बहुत सारा परेशानी यार एक ड्राइवर का जिंदगी में, लॉट्स ऑफ परेशानी। अब जैसे कि अभी घर आना था माँ पिताजी को, कम से कम महीना में अगर 2 बार भी नहीं आइएगा घर तो क्या होगा, महीना में कम से कम 2 बार तो बनता है। तब भी ऐसी ट्राई हम सेट करके रखे हैं कि जैसे पूरा महीना में 4 PR होगा तो 4 PR में 2 PR में घर में रहेंगे, 2 PR यहाँ आएंगे। बीवी थोड़ा गुस्सा करती है, वो भी सोचती है कि PR है तो हस्बैंड साथ में रहेंगे, तो उनको क्या है कि थोड़ा सा गुड्डू को हम संभाल लेते हैं तो उनको रिलैक्स मिलता है एक दिन के लिए, क्या दिन भर बच्चे के पीछे भागना वो बिग चैलेंज। लेकिन क्या करेंगे इधर, मतलब वो लोग ये चीज़ समझ नहीं पाता कि मतलब एज अ बेटा वाला फीलिंग मतलब वो लोगों को नहीं पता चलता कि भाई अपने लिए तो माँ बाप एक ही है, क्या करेंगे। वैसे ही करके मैनेज कर रहे हैं, जब तक अभी ट्रांसफ़र मतलब इधर नहीं आ जाते हैं तब तक थोड़ा सा परेशानी तो यही है कि माँ बाप को भी देखना है, उधर फैमिली को भी देखना है। अब यहाँ पे भी एक बार भी आप घर पे नहीं आइएगा, माँ पिताजी के साथ नहीं मिलिएगा तो कैसा होगा। उनके लिए तो हम ही लोग हैं, बड़े भाई तो बाहर रहते हैं, खाली पैसा देने से थोड़ा सब कुछ हो जाता है। ये चीज़ समझते नहीं है, वाइफ लोग नहीं समझती है क्या कर सकते। तो भाई पेंट ले लिए हैं और टोटल 1815 का चूना लग चुका है, चलिए ड्यूटी में थोड़ा स्मार्ट देखेंगे, यही बात है। तो फाइनली भाई गूगल एडसेंस का पिन आ गया है मेरा, और लैपटॉप तो लाया नहीं है, घर में जाके इसको फिर से पिन उन डाला जाएगा, तो खुशी की बात है कि चलिए कम से कम यहाँ तक तो पहुँचा, गूगल एडसेंस का पिन तो आया। तब भाई आप लोग के सपोर्ट से आपको भाई यहाँ तक पहुँच गया है, और धीरे धीरे दोनों भाई सब भाई मतलब दोनों भाई का मतलब हम और मेरा जितना भी भाई लोगों ने साथ में मिलकर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, मज़ा अपनाते रहेंगे, और एक रेलवे सर्विस वाला का खुशी आप लोग के साथ बांटते रहेंगे, और आप और लगातार हम लोग दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे कि भाई आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है, सीखते रहना है। तो भाई इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, प्यार मोहब्बत इस खुशी के साथ।